हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल लकी स्टार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फोन पे में जो आपका बैलेंस चेकअप दिक्कत है और मनी ट्रांसफर में जो दिक्कत आ रही है वो क्यों आ रही है। मैं आपको पहले मैं वो दिक्कत दिखाता हूँ कि आपको क्या समस्या आती है दोस्तों आपके फ़ोन पे में। ये देखिए दोस्तों, आपके फ़ोन पे में यदि इस प्रकार की समस्या आती है, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में ही देखा होगा कि आपका दोस्तों ये जो दिक्कत हो रही है, ये दिक्कत अधिकतम जो बैंक्स है वो यूनियन बैंक में हो रही है। मेरे दो तीन फ्रेंड्स हैं, उनके पास ये दिक्कत आई हुई है। उन्होंने मुझसे पूछा, भाई साहब ये दिक्कत क्यों आई है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तो मैं उनके लिए और काफ़ी लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि और लोगों के भी साथ भी इस प्रकार की दिक्कत आ रही होगी, जिससे कि आप फोन पे के द्वारा मनी ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस पे भी एक वीडियो बना दिया जाए, जिससे कि आपकी कुछ मदद हो जाए। ठीक है, दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये दिक्कत क्यों आती है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि रोमिंग इस प्रॉब्लम में ये होता है दोस्तों कि आप यदि अपने फ़ोन पे में यदि आप करेक्ट पिन भी डालते हैं, ऐसा होता है पता नहीं क्यों कि आप रेगुलर उससे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और एक समय ऐसा आता है कि आपका जो उसमें जो मान लीजिए उसके डायरेक्ट मतलब कि रेगुलर आप करेक्ट पिन से आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और अचानक ऐसा होता है कि आप जब अपना पिन डालते हैं तो वहाँ पे बोलता है रोंग पिन। ठीक है, पता नहीं क्यों यहाँ पे बोलने लगता है रोंग पिन। तो उसका उपाय दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप किस प्रकार से उसका आप सोल्यूशन करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या लिख क्या रहा है, यहाँ पे रोंग पिन। ठीक है, यू आर इंटर्ड द रोंग पिन टू मेनी टाइम, प्लीज़ ट्राई आफ्टर सम टाइम और रीसेट योर पासवर्ड, रीसेट योर UPI पिन एंड ट्राई अगेन। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि अनेबल टू सेट, ये पहले ये दिक्कत आती है दोस्तों। ठीक है, पहले ये वाली दिक्कत आती है कि आपको बोलता है कि आपका पिन जो है वो रोंग है, और उसके बाद यदि आप जब रीसेट करना चालू करते हैं अपने पिन को तो आपको इस प्रकार की दिक्कत आती है। तो मैं बताता हूँ दोस्तों कि दोनों प्रॉब्लम से किस प्रकार से आप सोल्यूशन पाइएगा, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों कि आपको अपना फ़ोन पे ओपन कर लेना है। फ़ोन पे ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे अपना फ़ोन पे में आ चुके हैं। फ़ोन पे में आने के बाद सिंपली आपको करना है ये कि आपको अपने इस पे टाइप कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माई मनी का ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे स्टोर इंश्योरेंस और यहाँ पे देख सकते हैं माई मनी का ऑप्शन। सिंपली आपको माई मनी पे आने के बाद सिंपली आपको क्लिक करना है यहाँ पे बैंक अकाउंट पे। आप जैसे इस पे बैंक अकाउंट पे क्लिक करिएगा दोस्तों, आपके यहाँ पे बैंक शो हो जाएंगे जो अपने बैंक इसमें ऐड किया हुआ है। तो मान लीजिए कि हमारा दिक्कत इस बैंक में, तो हम इसको यहाँ पे हम टिक करके दिखाते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को इसको इसके भी बारे में पता नहीं। तो आपको यहाँ पे एरो पे क्लिक कर लेना। आप यहाँ पे जैसे ही एरो पे क्लिक करिएगा दोस्तों, आपका जो अकाउंट है जो बैंक आपने उसमें ऐड किया हुआ फ़ोन पे में, वो यहाँ पे पूरा वहाँ पे डिटेल उसका शो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे अनलिंक बैंक अकाउंट कर लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने जो बैंक है, जो आपने बैंक इसमें ऐड किया हुआ, इसको यहाँ पे अनलिंक कर लेना है। यहाँ पे जैसे मैं आपको यहाँ पे अनलिंक करके दिखा देता हूँ। अनलिंक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि आप यदि एक बैंक इसमें ऐड होगा तो वो बैंक आपका हट जाएगा। तो आपको सिंपली फिर से क्या करना है कि ऐड न्यू बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करिएगा दोस्तों, आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसको यहाँ पे सर्च कर लेना है। ठीक है, हम यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, उसके बाद उसको आपको सिंपली टैप कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, हमारा बैंक फाइंड हो चुका है और यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डाउन करने के लिए आ रहा है, यहाँ पे रीसेट UPI करने के लिए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले आपको डन कर लेते हैं। डन करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको क्या करना है कि इसको क्या करना है दोस्तों कि आपको फिर इस पे टाइप करना है। ठीक है, ये दोस्तों हमने अभी जो ये टिक किया हुआ, ये डिफ़ॉल्ट का टिक है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मतलब कि आपके फ़ोन पे में दो चार अकाउंट है, तो आप किसको डिफ़ॉल्ट पे रखना चाहते हैं, यानी कि अगर कोई उधर से आपको पैसे भेजता है तो आपके किस बैंक में आएंगे, तो आप जिस पे इस ये सही का निशान चेक कर दिए होंगे उसी अकाउंट में आपके पैसे आएंगे। ठीक है, तो हमने अपना ऊपर वाले बैंक में डिफ़ॉल्ट किया। ठीक है, तो उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों कि आपको इस पे टैप कर लेना है, इस एरो पे टैप करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखिएगा कि आपके यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको सिंपली आपको अपने यहाँ पे रीसेट पे टैप कर लेना है। रीसेट पे टैप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे
अपना कार्ड नंबर एंटर करना है और यहाँ पे आपकी जो वैलिडिटी है, कार्ड वैलिडिटी होती है, यहाँ पे अपने कार्ड का लास्ट का बस 6 डिजिट इंटर करना है और यहाँ पे आपको आपकी वैलिडिटी इंटर करनी है जो कि आपकी एक्सपायरी डेट होती है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि आप इतना करेंगे तो आपके नंबर पे क्या होगा कि एक नया पेज खुल गया है, ठीक है। उस पेज में आएगा दोस्तों आपको ऊपर भीम UPI के द्वारा पेज खुल के आता है सेकेंड वाला, तो उस पर आपको सबसे पहले ऊपर देखिएगा कि यहाँ पे आपको OTP इंटर करने के लिए आएगा, आपके नंबर पे जस्ट OTP आएगा, उसको वहाँ पे इंटर कर लेना है और नीचे आपको अपना जो ATM का पिन होता है वो इंटर करना होगा। आप इतना करने के बाद जैसे यहाँ पे सही पे क्लिक करिएगा दोस्तों, आपके सामने एक पेज खुल के आएगा फिर नया, उसमें आपको बोलेगा कि यहाँ पे आप अपना UPI पिन सेट करिए और यहाँ पे रीटाइप करिए, मतलब कि री इंटर करिए, मतलब फिर से वही पिन यहाँ पे इंटर करिए। दो बार आपको अपना UPI पिन यहाँ पे सेट करने के लिए आएगा, ठीक है। आप इस पे जैसे करेंगे फिर आपको सेकेंड, जैसे यहाँ पे सही का बटन दबाएंगे फिर यहाँ पे सेकेंड का ऑप्शन आएगा, ठीक। तो वहाँ पे आप इंटर कर लीजिएगा, उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो पिन आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। सेट होने के बाद दोस्तों आप सिंपली अपना बैंक बैलेंस या अपनी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों इसमें दिक्कत ये भी होती है कि जब आपका इस प्रकार का इशू आता है, ठीक है, हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि जब आपका इस प्रकार का इशू आता है तो लोग क्या करते हैं दोस्तों कि तुरंत, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपका यहाँ पे जो ये इस प्रकार का इशू है, तो लोग क्या करते हैं कि तुरंत रिसेट करने लगते हैं। जैसे ही इस प्रकार का ऑप्शन आता है तो क्या करते हैं कि तुरंत उसको मतलब रिसेट पे काम करना चालू कर देते हैं, लेकिन आपको तुरंत नहीं करना है दोस्तों। ये बात आपको ध्यानपूर्वक सुन लेनी है, इसको अपने माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है। ये टॉपिक ध्यान देने वाली बात है कि आपको तुरंत नहीं करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा, प्लीज़ ट्राई आफ्टर 24 आवर्स, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि प्लीज़ ट्राई आफ्टर 24 आवर, रिसेट योर UPI पिन एंड ट्राई अगेन। तो आपको दोस्तों 24 घंटे, यानी कि मान लीजिए आज आपने 10 बजे AM पे आपने अपना UPI ट्रांजैक्शन जो करने का प्रोसेस, फॉरगेट करने का, जो रिसेट करने का आपने काम किया है, तो आप कल के मतलब कि नेक्स्ट दिन में, ठीक है, आपको क्या करना है कि 10 बजे के बाद, ठीक है, मान लीजिए आज आपने 10 बजे किया है, अगर अगले दिन आपको 10 बजे के बाद यानी कि 11 बजे 12 बजे यानी कि 10 बजे के बाद कभी भी आप उसको रिसेट करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। यदि आप 10 बजे से पहले करते हैं, यानी कि आज आपने 10 बजे कर दिया और कल आप 10 बजे से पहले ही करना चालू करते हैं आप अपना रिसेट की प्रोसेस, तो दोस्तों नहीं होगा, फिर आपका इसी प्रकार का इशू आएगा, ठीक है, आपका सेम टू सेम इसी प्रकार का इशू आएगा। और जब आप पिन रिसेट करेंगे तो आपका इस प्रकार का इशू आएगा, अनेबल टू सेट UPI पिन, देयर सम मतलब कि इस प्रकार की आपकी वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रख लेना है कि आपको जब भी आपका पिन रीसेट करना है तो एक बार ट्राई करने के बाद यदि इस प्रकार का दिक्कत आता है तो आपको फिर 24 घंटे बाद ही ट्राई करना है। यदि आप 24 घंटे से पहले करते हैं तो आपका दोस्तों नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल टेक्निकल लकी स्टार को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।